हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। इट इज़ द टाइम ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्वेश्चन डी। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन डी? इफ फोर 9, 3, 5, 6 इंटू 11 इज 5, 4, 2, 9, 1, 6। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 4, 9.356 इंटू 1, 1। ओके सर, जो आपको कंडीशंस ऊपर गिवन है, ये जो कंडीशंस दी गई है कि 49,356 इंटू मल्टीप्लाई बाई इज गोज टू 5,54,916 जो हमारा आंसर है सर, उसमें डेसिमल नहीं है, बाकी पूरा सेम है। अगर इस डेसिमल को हम हटा दें, अगर इस डेसिमल को हम क्वेश्चन से हटा दें, तो क्या ऊपर वाली डिजिट्स में कोई चेंज होगा क्या? 49356 इंटू 11। अगर पॉइंट हटा दें तो हमारा आंसर क्या आता? 5, 4, 2, 9, 1, 6। ओके, सो बेटा लास्ट टॉपिक क्लियर, मतलब थोड़ा थिंक करो अपने माइंड में। मैंने क्या, जितने भी ऊपर मल्टीप्लिकेशंस वाले क्वेश्चंस बताए, मैंने क्या बताया है कि थोड़े समय के लिए पॉइंट को अपने दिमाग से क्या करा देते हैं, रिमूव करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी रिमूव करा दिया, इसमें भी अगर पॉइंट ना होता तो यही हमारा आंसर होता। पॉइंट डिजिट काउंट कर लीजिए बैक साइड से, 1, 2, 3। ओके, सो बैक साइड से आंसर में भी डिजिट, 3 डिजिट पहले लगेगा, ठीक है, 1, 2, 3। सो आंसर इज 542,542.916। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए आप, 493.56 इंटू 11। सर फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। ओके, कि सर अगर यहाँ पॉइंट ना होता तो 49356 इंटू 11। सो हमारा आंसर भी सर यही आता, 542916। ओके सर, बट सर पॉइंट है तो बेटा पॉइंट अब काउंट कर लो ना बैक साइड से, उतने डिजिट से पॉइंट लगाओ तो 1212। सो आंसर इज 5,429.16 आंसर हो जाता। ओके, थर्ड नंबर, एक थर्ड वाला भी देख लें, दोनों डिजिट्स में ही पॉइंट है। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज 4.9356 इंटू 1.1। ओके, तो बेटा ऊपर वाले क्वेश्चंस देखो, मैंने जब भी दो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशंस बताया था तो मैंने कहा दोनों की डिजिट्स का पॉइंट अभी ये दिमाग से हटा दो, ये 7 है और ये 35 है, नॉर्मली 7 का 35 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ मैं कहूँगा, अभी दोनों साइड से पॉइंट अपने माइंड से हटाइए। तो अगर पॉइंट हटा देंगे तो सर फिर से वही क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, 49356 इंटू 11 और 49356 इंटू 11। तो आंसर हमारा क्या होता? 542916। ओके सर, अब पॉइंट काउंट कर लें दोनों डिजिट्स के, 1 से इधर है और 4 से इधर है, तो टोटल 5 डिजिट्स। सो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट इज पुट ऑन आफ्टर 5 एंड बिफोर 4। ओके, सो आंसर इज 5.42916। ओके, 3 क्वेश्चंस मैंने आपके बता चुके हैं और 2 क्वेश्चंस बचे हैं, तो सॉरी 3 क्वेश्चंस और 3 मैंने बताए, 3 बचे हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है, इसी बेस पे मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। उसके भी 3 क्वेश्चंस मैंने बताए ना, मतलब 3 क्वेश्चंस मैंने आपके ख़राब कर दिए हैं, ठीक है। तो इनको पूरा करने के लिए हम 3 क्वेश्चन इसी में क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, या इस क्वेश्चन को ही थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, तो इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन इज, इफ क्वेश्चन सेम रहेगा, इफ 45454 इंटू 45 इज इक्वल्स टू 20454 30।
ओके, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन इज 45.454 मल्टीप्लाई बाई 45. क्वेश्चन नंबर टू इज इफ 4545.4 इंटू 4.5. क्वेश्चन थ्री इज इफ 4545.4 इंटू 0.045. क्वेश्चन नंबर फोर, ओके थ्री क्वेश्चंस दिए थे वो, सॉरी थ्री मैंने सॉल्व किए तो थ्री आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. ठीक है, तो थ्री क्वेश्चंस ये आपके प्रैक्टिस के हैं, आप प्रैक्टिस करें अच्छे से. ओके, क्वेश्चन नंबर ई में आ जाते हैं. सॉल्व दी फॉलोइंग वर्ड स्टोरीज, वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो कोई ताकत नहीं होगी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस में. टैक्सी फेयर, फेयर मीन्स किराया. टैक्सी फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इज ₹9.55. ओके, अगर टैक्सी से हम जैसे ओला ओला इस समय चल रही है तो शुरुआत में चली थी तो बता रहे थे 1 किलोमीटर का ₹6 कुछ ऐसा है ना, तो वैसे ये टैक्सी फेयर है 1 किलोमीटर कितने ले रहा है, ₹9.55 चार्ज कर रहा है. ठीक है, इफ चिराग चार्ज का चार्ज ना रीड कर लेना इसे चिराग. ठीक है, इफ चिराग ट्रेवल्स 65 किलोमीटर बाई टैक्सी, हाउ मच हैज़ ही टू पे फॉर हिज जर्नी. ओके, सो फेयर ऑफ 1 किलोमीटर, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹9.55. ओके, चिराग ट्रेवल चिराग ट्रेवल 65 किलोमीटर. ओके, हाउ मच हैज ही टू पे फॉर हिज जर्नी. ओके, चिराग पे आई 1 किलोमीटर का चार्ज इतना है तो 65 किलोमीटर का मल्टीप्लाई से 9.55 इंटू 65. ओके, टोटल चार्ज हमको इतना देना पड़ेगा. अभी पॉइंट थोड़े देर से क्या करना है अपने माइंड से अलग कर ही लेना, और इसको अलग से सॉल्व करिएगा, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होगी. मैं तो तुरंत सॉल्व कर देता लेकिन आप लोगों के लिए अलग से लिखना होता है, सो डोंट वेरी. लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई सबसे पहले स्टार्ट होता है. ठीक है, तो 5 5s are 25, 2 carry, 5 5s are 25, 2 27, 2 carry, 5 9s are 45, 2 47. ओके, लास्ट डिजिट क्रॉस, बिलो लास्ट डिजिट ड्रॉ साइन क्रॉस. ओके, 6 सेकंड डिजिट मल्टीप्लाई 6 5s are 30, 3 carry, 6 5s are 33, 33, 3 carry, 6 9s are 54 एंड 3 57. आंसर इज 5 7 10 12 and 6, 62,075 rupees. ओके, चिराग को कितना पे करना होगा, इतना. ओके, सो टू वर्ड प्रॉब्लम्स और हैं, सॉरी थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री इसी बेस का है, बहुत सेकंड और फोर्थ मैं लास्ट टॉपिक में क्लियर कर लूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो थर्ड मैं ऐसे ओरली बहुत तेज़ी से रीड करके आपको समझाता हूँ. मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन होगा जहाँ तक. उदय कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8.9 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर में इतने किलोमीटर ट्रेवल करती है उदय की कार. ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 15 लीटर्स पेट्रोल. वन लीटर में इतना ट्रेवल कर रही तो 15 लीटर में कितना ट्रेवल करेगी, मल्टीप्लाई करा देना. ओके, डायरेक्टली आंसर फाइंड हो जाएगा. ओके, बाय, टेक केयर.